Morning dear children, today we will start exercise 2.5 question number 3. Question number 3 part 2, express 35 millimeter in centimeter. हमें 35 millimeter को किसमें convert करना है? Centimeter को. And 35 millimeter को किसमें convert करना है? Meter में and kilometer में. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Centimeter में convert करेंगे. 1 centimeter equals to 10 millimeter होता है. So, 1 millimeter equals to कितना होगा? 1 by 10 centimeter. हमें 35 millimeter को करना है. So, 35 millimeter equals to 35 by 10 centimeter. कितने 0 है? 1 0 है. मतलब 1 digit के पहले decimal लगेगा. यहाँ क्या है? 5. 5 के पहले decimal लगेगा. So, 3.5 centimeter. Next, उन्होंने बोला है कि हमें meter में convert करना है. So, 1 meter equals to 1000 millimeter होता है. So, 35 millimeter equals to कितना होगा? 35 by 1000 meter. 1, 2, 3. कितने digit है? कितने 0 है? 3 0 है. Which means 3 digit के पहले हमें decimal लगाना है. First 5, second 3. Third digit नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0.0. तो 0.035 meter. Next kilometer. हमें 35 millimeter को kilometer में change करना है. So, 1 kilometer equals to 10 lakh millimeter होता है. 35 millimeter equals to 35 by 10 lakh kilometer. कितने 0 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब 6 digit के पहले हमें decimal लगाना है. 1, 5, 2, 3, 2 digit है. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimal. तो 0.00035 किलोमीटर. हैंस 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या था? तो कितना आया था? 3.5 सेंटीमीटर. मीटर में क्या था? तो 0.035 एंड 0.00035 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम. पार्ट फर्स्ट की 200 ग्राम. हमें ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में. सो वी नो दैट 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है. सो 200 ग्राम कितना होगा? 200 बाय 1000 किलोग्राम. कितने 0 है? 1 2 3. तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल आएगा? 3. 1 2 3 पॉइंट 0. अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 0 नहीं लगाएंगे. सो आंसर होगा हमारा 0.2 केजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. 4 किलोग्राम 8 ग्राम. हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. ये ऑलरेडी किलोग्राम में है मतलब हमको सिर्फ 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है. सो 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम. 4 किलोग्राम एज इट इज. 8 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 8 बाय 1000 किलोग्राम. 1 2 3. 3 डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना है. तो 1 2 3 पॉइंट 4 किलोग्राम प्लस 0.008 किलोग्राम. इसे हम 8 करेंगे तो 4.008. यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 0 लगा सकते हैं. 0 8 8. 0 में 0 का ऐड करेंगे तो 0. 0 में 0 का करेंगे तो 0 एंड 4 एज इट इज. तो 4.008 किलोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है? एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सभी को पता है क्या होती है? 6th में सभी ने पढ़ा होगा. पार्ट फर्स्ट इज 20.03. सो पॉइंट के पहले वाली की प्लेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. वंस वन, टेंस क्या होता है? टेन, हंड्रेड्स हंड्रेड एंड थाउजेंड. बट डेसिमल के बाद वंस नहीं होता है, डायरेक्ट रीड करते हैं टेन से. टी एच एस लग जाता है. सो टेंस होगा 1 by 10, हंड्रेड्स होगा 1 by 100 एंड थाउजेंड्स होगा 1 by 1000. सो 20.03 ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस. तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 का. 0, 0 में किसका करेंगे? 1 का. तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1. अब हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट देंगे. डेसिमल के पहले तो वंस टेंस होता है, बट डेसिमल के बाद क्या होगा? टेंस. तो 0 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 बाय 10 प्लस
प्लस थ्री, तो थ्री हंड्रेड प्लस पे जिसका मल्टीप्लाई होगा थ्री मल्टीप्लाई वन बाय हंड्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट सेकेंड 2.03, ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है वंस, तो टू मल्टीप्लाई वन, ये क्या है डेसिमल के बाद वाली डिजिट क्या है टेंस, तो जीरो मल्टीप्लाई वन बाय टेन एंड थ्री पे क्या है हंड्रेड, सो प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन बाय हंड्रेड, ये क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन बाय टेन प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन बाय हंड्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है टू का, सो पार्ट फर्स्ट इज 2.56, टू का लिखा है यहाँ लिखा है, इसके प्लेस वैल्यू क्या है वन से स्टार्ट करते हैं वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड, तो ये क्या है वन, तो प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज टू मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू टू, और हम इसको लिख सकते हैं टू वंस। सेकेंड दिया हुआ है 21.37, ये क्या है वंस और ये टेंस, तो टू के प्लेस वैल्यू क्या है टेंस है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज टू मल्टीप्लाई टेन, टू मल्टीप्लाई टेन कितना होगा 20, और हम इसको लिख सकते हैं टू टेंस। नाउ पार्ट थर्ड इज 10.25, टू कहाँ लिखा है डेसिमल के बाद लिखा है, सो ये कौन सी प्लेस है टेंस प्लेस पे, द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज टू मल्टीप्लाई वन बाय टेन, वन बाय टेन क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद है, टू में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बाय टेन, और इसे हम लिख सकते हैं टू टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, श्यामा एक लड़की है जिसने 5 kg और 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदे, सरला बोट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास, सरला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास खरीदे, हु बॉट मोर फ्रूट्स, हमें फाइंड करना है किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे, सो क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स पहले हम सरला का निकालेंगे श्यामा का निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कितनी है 5 kg 300 ग्राम और क्वांटिटी ऑफ मैंगोस इक्वल्स टू 3 किलोग्राम 250 ग्राम, अब ये दोनों एक किलोग्राम में और एक ग्राम में है, तो हम ग्राम को किस में चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सभी को पता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, अगर हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/1000 किलोग्राम, हमें किसको चेंज करना है 300 ग्राम को, सो 300 ग्राम इक्वल्स टू 300/1000 किलोग्राम, कितने जीरो है 1 2 3, तो कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पहले 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ रहेगा 3 के पहले, तो 0.300 किलोग्राम। अब हमें क्या था 4 kg 300 ग्राम, 4 kg प्लस 300 ग्राम, 300 ग्राम को हमने जब किलोग्राम में चेंज किया तो वैल्यू क्या है 0.300 किलोग्राम, इसे हम ऐड करेंगे तो 5.300, 5 डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम क्या पुट कर देंगे 0, तो 0 में 0 का ऐड करेंगे 0.0800833 और 5 में 0 का करेंगे तो 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.300 किलोग्राम। नेक्स्ट बोला था 3 किलोग्राम 250 ग्राम, इसी भी सेम इसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.250 किलोग्राम। टोटल फ्रूट्स बोर्ड बाय श्यामा, श्यामा ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे, तो 5.300 किलोग्राम उसने एप्पल्स खरीदे प्लस 2.250 किलोग्राम उसने क्या खरीदे मैंगोज, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, सो 5.300 केजी प्लस 3.250 केजी को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 8.550, मतलब टोटल फ्रूट्स उसने कितने खरीदे 8.550 किलोग्राम।
क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस कितनी है? 4 kg 800 ग्राम एंड क्वांटिटी ऑफ बनाना 4 kg 150 ग्राम। इसे भी हम ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आएगा 4.800 किलोग्राम एंड 4.150 किलोग्राम। अब टोटल फ्रूट्स बोर्ड बाय सरला, सरला ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे तो हम क्या करेंगे, एड करेंगे 4.800 kg प्लस 4.150 kg। इसे हम एड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.950 kg। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि दोनों में से किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, तो श्यामा ने कितने खरीदे थे 8.550 kg एंड सरला ने कितने खरीदे 8.950। सो 8 और 8 दोनों में सेम है, फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, हम क्या देंगे सेकंड डिजिट देंगे, डेसिमल के बाद है 9 और यहाँ पर है 5, तो ग्रेटर क्या है 9। और हमें ऐसे भी समझ में आ रहा है 8.950 और 8.550 में से ग्रेटर क्या है 8.950। सिंस 8.950 kg ग्रेटर देन 8.550 kg तो किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, सरला ने, हैंस सरला बोट मोर फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से लेस है, मतलब छोटा है, तो कितना लेस है ये हमें फाइंड करना है। सो डिफरेंस बिटवीन 28 किलोमीटर एंड 42.6 किलोमीटर, हमें समझ में आ रहा है कि 28 क्या है 42.6 किलोमीटर से छोटी वैल्यू है, बट उन्होंने पूछा है कि कितनी छोटी वैल्यू है, मतलब कितना छोटा है वो हमें फाइंड करना है। सो 42.6 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट 28.0 किलोमीटर, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14.6 किलोमीटर आएगा, हैंस 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 किलोमीटर बाय 14.6 किलोमीटर, कितना छोटा है 14.6 किलोमीटर।